पारस, सुना है समय के साथ प्यार गहरा होता जाता है। ओके, हम लोग सर ने गहराई की बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ना, सैफ और करीना का प्यार समय के साथ ज्यादा हो रहा है या कम, दैट आई कांट डिसाइड। You know, that's the thing, because सैफ बेबू को इतना ज्यादा प्यार करते हैं and all, इसलिए उन्होंने अपने हाथ पे उसका नाम टैटू करा दिया था। That's okay. एक बार टैटू करा लिया, लेकिन वो बार-बार दर्द क्यों सहे? That's what we're trying to find out. सैफ अली खान जब करीना के प्यार में पड़े तो सभी को चौंका दिया। पहले तो पब्लिकली अपने प्यार का ऐलान किया और फिर अपनी लेडी लव करीना के नाम का टैटू अपने हाथ पर फ्लॉन्ट किया। उनके इस अंदाजे मोहब्बत के कायल तो सभी हो गए और उनके इस टैटू ने हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन का अटेंशन भी खूब खींचा। सुनने में तो ये भी आया कि सिल्वेस्टर ने सैफ को करीना की शक्ल का टैटू बनवाने की सलाह भी दे डाली। He has an amazing tattoo of his beautiful wife on his shoulder, massive one. So he just suggested that I get mine darkened or maybe add some red to it, or you know, we discussed tattoos for a while. And he's a very nice man and very kind, and he called up his artist and said made an appointment. अब सिल्वेस्टर स्टैलोन का टैटू तो छोटे नवाब को काफी पसंद आ गया, लेकिन सिल्वेस्टर की सलाह का क्या? क्या सैफ उनकी बात पर गौर फरमाते हुए करीना के चेहरे का टैटू बनवाएंगे? वैसे सैफ आइडिया तो बुरा नहीं है, आखिर आपका और करीना का रिश्ता भी तो काफी गहरा है। Well, no, not seriously. I think that this is, one tattoo is enough, really. एक और टैटू बनवाने से तो सैफ साफ साफ तौबा कर रहे हैं। लगता है पहला टैटू बनवाने की तकलीफ उन्हें काफी महसूस हुई थी। वैसे तकलीफ तो सैफ को तब भी हुई जब करीना ने एक फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ एक इंटीमेट सीन शूट किया। सैफ को करीना के इस सीन से काफी एतराज हुआ और खबर है कि जब सैफ ने करीना पर अपना एतराज जताया तो करीना को सैफ की ये दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सच ही तो है, आखिर छोटे नवाब बेबो को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहे हैं। I've always been extremely possessive, but not like the way it's made out, really. It's a little bit embarrassing, some of the things that people think, but I can't clarify all that. अब सैफ ने तो खुले शब्दों में कह ही दिया है कि वो करीना को लेकर बेहद पजेसिव है। वैसे पहले भी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स की खबरें आई थी जो करीना और सैफ के झगड़े की ओर इशारा कर रही थी। कभी सैफ को करीना के पहनावे पर एतराज होता है तो कभी बातें हुई उनके बीच एक जबरदस्त बहस की। अब जहां प्यार है वहां तकरार होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, और अपने छोटे मोटे मन मुटाव की खबरों को सैफ हमेशा ही खारिज करते आए हैं, लेकिन करीना को लेकर पजेसिव होने की बात खुद मानकर सैफ कहीं न कहीं उन झगड़ों का कारण भी बता रहे हैं जो शायद उनका पजेसिव नेचर है। खैर कोई बात नहीं, आखिर प्यार में नोक झोंक ना हो तो प्यार करने का मजा ही क्या। अंजलि सिंह, जूम, मुंबई।